हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और ये देखिए, ये अभी हाल ही में मैंने ये पौधा ऐड किया। ये सुख शांति का पौधा है, बहुत शुभ पौधा मानते हैं। और एक अमला का प्लांट भी इसी में लगा रखा है। तो अभी गर्मी के कारण इसकी पत्तियाँ गिरी हुई है, लेकिन ये ब्रांचेज हरी है। जब बरसात के टाइम में फिर ये अच्छी हो जाएगी। तो पौधे तो हमारे लिए अच्छे होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं। जैसे ये सुख शांति का पौधा हुआ, अमला का हुआ, जैसे ये अशोक को भी बहुत शुभ मानते हैं। हम इसकी पत्तियाँ तोरण बना के गेट के किनारे भी लगाते हैं, क्योंकि ये शुभ है। और तुलसी माता तो हमारी हर घरों में पाया जाता है, ये तो हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और शुभ, तो हम इसे मानते ही हैं। और ये मेरा 2-3 साल पुराना पौधा है। बस ऊपर से जब इसके फ्लावर निकलते हैं तो पिंच कर देती हूँ और बस नॉर्मल पानी देती हूँ, जो पूजा का पानी होता है। और देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने ये प्लांट ऐड किया हुआ है अपने गार्डन में। बहुत ही शुभ प्लांट है। जब मैंने इसके बारे में गूगल में सर्च किया और पढ़ा, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतना शुभ पौधा है। और साक्षात ये भगवान कृष्ण का रूप है ये। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये पौधा कैसे आपके लिए शुभ है और इसे कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसका केयर करें। तो एक एक बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये पौधा मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, बहुत लोगों से सुन रखा था और मुझे ये प्लांट आखिर में मिल ही गया। और ये साक्षात भगवान कृष्ण का उगाया हुआ पौधा है। वैजयंती का पौधा है ये, इसे वैजयंती का पौधा बोलते हैं। और ये बिल्कुल देखने में ये मकई के बाजरे की तरह इसकी पत्तियाँ दिखती है। और इसकी सबसे बड़ी खास, इसमें से जो स्टिक निकलती है और उसके फ्लावर में जो छोटे छोटे बीज की तरह इसमें मोतियाँ निकलती है, उसका बहुत महत्व है। उस बीज को लोग माला के रूप में यूज करते हैं, और माला हो या लोग पर्स में भी रखते हैं, तिजोरी में भी रखते हैं। और इसमें जो बीज बनते हैं बिल्कुल मोती की तरह होते हैं, और ये नेचुरल मोती की तरह होते हैं। मोती में तो छेद भी करना पड़ता है, इसमें होल कुछ भी नहीं करना पड़ता है, नेचुरल इसमें छेद रहता है। और इसे बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसकी मोतियों की खेती की थी। और इसकी भी कुछ कहानी है, आप गूगल में यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी इसके बारे में बातें बताई गई है कि उनके जो नंद बाबा थे, जब वो उन्हें गोद में ले रखे थे तो उनके गले से उन्होंने माला घींचा तो जो मोतियाँ बिखर गई, तो उसी से बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोतियाँ की तरह बहुत सारे फली छोटे छोटे ग्रो हुए। तो लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी की माला धारण करते थे, वैजयंती की माला, आपने सुन रखा होगा। और इसकी आप बहुत इजी से इसकी केयर है, कोई ज़्यादा इसे केयर भी ज़रूरत नहीं, जैसे और नॉर्मल प्लांट के करते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड में मिला के, कंपोस्ट मिला के लगा दें। और इसके बीजों से भी बहुत ईजी से जून जुलाई में ग्रो कर सकते हैं। जैसे और बीज अब ग्रो करते हैं, उसी तरह इसके बीज भी ग्रो हो जाते हैं, बहुत ईजी से ग्रो होते हैं। और ये मथुरा वृंदावन साइड में इसकी खेती भी होती है, और लोग इसे खेती व्यवसाय के रूप में भी करते हैं। जो इसकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं ये पशु वगैरह खाते हैं, और जो इसमें से मोतियाँ निकलती है उसके लोग माला बनाते हैं और बेचते भी हैं। और इसमें जून जुलाई में इसमें ऐसे स्टिक की तरह निकलेगी, और इसमें जो स्टिक निकलती है उसमें फ्लावर, एक एक स्टिक में बहुत सारी फ्लावर निकलते हैं और वही मोतियाँ बन जाती हैं। बीच बीच से ऐसे निकलते हैं और वही कलेक्ट करके आप इसे बोलते हैं कि अगर 11 मोतियाँ अगर आप पर्स में रख लें, अगर आप माला नहीं पहनना चाहते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ है। वैसे तो साक्षात श्री कृष्ण वैजयंती माला पहनते थे, ये हमें सभी मालूम है। और इसकी जो मोतियाँ निकलेगी उसे आपको पता चल जाएगा कि सही में बिल्कुल ये मोतियाँ की तरह इसकी फली होती है।
और सबसे बड़ी बात इसमें छेद भी नहीं करना पड़ता है। तो ये शुभ प्लांट आप ज़रूर लगाएं। और ये आप अगर दिल्ली में हैं तो ये आप शर्मा नर्सरी से ले सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ लोगों को दिया हुआ है। ये इतना शुभ प्लांट है कि बहुत कम ही जगह दिखने को मिलता है। मथुरा बिंदा साइड मिल जाएगा लेकिन और जगह बहुत कम मिलता है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसके बीज वगैरह ऑनलाइन मिल जाएंगे और प्लांट भी मिल जाएंगे, ज़्यादातर बीज इसके मिलते हैं। तो इसका नाम ही है वैजयंती, यानी जिसे कोई हरा ना सके, जिसकी हमेशा जीत हो। तो इसे ज़रूर लगाएं, बहुत शुभ प्लांट है। और इसे साक्षात बोलते हैं कि जो इसे लगाता है भगवान कृष्ण उसके घर में हमेशा बने रहते हैं। और इसकी जो फली निकले, मोतियाँ निकले, तो आप ज़रूर इसे माला बना के भगवान कृष्ण को अर्पित करें तो भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बहुत शुभ होते हैं, जिनमें से ये वैजयंती का प्लांट है। तो इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं और कहीं से भी मिले तो इसे ज़रूर लगाएं, बहुत शुभ प्लांट है। और इसे फुल सन में रखें, धूप में अगर 2-3 घंटे की धूप मिले तो बहुत अच्छी तरह से ये चल जाएगी। और इसे चौरा पॉट ले, क्योंकि इसके नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकलते हैं, तो उसे भी अलग करके आप लगा सकते हैं। और गहराई ज़्यादा ना ले, चौराई ज़्यादा में ले, ताकि इसके प्लांट ज़्यादा निकले तो आप अलग अलग करके बहुत सारा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फिर जो इसमें से बीज निकलेंगे उस बीजों से आप बहुत ईजी से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत शुभ प्लांट है, इसे ज़रूर लगाएं। और इसके सीड आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन इसके सीड बहुत ईजी से मिल जाते हैं। तो इस शुभ प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, या सीड से लगाएं, या आपके नर्सरी में मिलता है तो वहाँ से भी ले के लगा सकते हैं। बहुत ईजी से लगने वाला ये प्लांट है। तो इस शुभ प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा।